नूह में हुई हिंसा के बाद उसके लगते इलाकों में अगर बात की जाए, सोना और गुरुग्राम या रेवाड़ी फरीदाबाद की बात की जाए, तो वहीं सभी जगह जो है उसकी आंखें लपटी देखी जाती है। तो उसी को लेकर के अभी हम गुरुग्राम के जो मस्जिद है सोना चौक पे, वहां पर हैं। यहां पे आप सुरक्षा को लेकर चाक चौबंद जो हैं वो कड़े किए गए हैं। आपको बता दें आज शुक्रवार का दिन है और शुक्रवार के दिन ही जुम्मे की नमाज़ को अदा किया जाता है। उसको लेकर के आला अधिकारी जिला प्रशासन ने सभी कमेटी के जो मुस्लिम कमेटी के लोग हैं उनसे एक आग्रह किया था कि इस बार जुम्मे की नमाज़ अपने घर से अदा की जाए, ताकि अगर कुछ शरारती तत्वों द्वारा कुछ भी ऊटपटांग चीज़ें की जा सके या उन पर अंकुश लगाया जा सके, उसको लेकर के कहीं ना कहीं जिला प्रशासन लोगों से आग्रह करता नज़र आया। उसमें कई मौलवी, कई मुस्लिम समुदाय के लोग भी शामिल हुए। उन्होंने भी इस चीज़ को लेकर के सामने आए। उन्होंने कहा कि इस बार जितना जो भी कुछ हो सकता है कि अगर कोशिश यही रहे कि जो नमाज अदा की जानी है वो घर से ही हो तो बेहतर है। उसी को लेकर के अभी हम गुरुग्राम के जो सोना चौक मस्जिद है वहाँ पर पहुँचे हैं। यहाँ पर आप सुरक्षा को लेकर के देख सकते हैं, लगातार जो है वो पुलिस बल तैनात किया गया है और नवाज़ का जो गेट आप देख सकते हैं, अभी हम यहाँ पहुँचे हैं और नवाज़ का जो गेट है, ये मस्जिद का जो गेट है, जो नवाज़ करने के लिए यहाँ मुस्लिम समुदाय के लोग जो इकट्ठे होते थे वो यहाँ नहीं हैं। कहीं ना कहीं इन्होंने भी भाईचारा को कायम रखने के लिए पूरी जो इनकी बात मानी है पुलिस प्रशासन की और जिला प्रशासन की जो है वो बात मानी गई है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं यहाँ कई सारे मीडिया कर्मी भी पहुँचे हुए हैं। पुलिस बल तैनात किया गया है, भारी पुलिस बल तैनात है। यहाँ सीनियर अधिकारी अभी कोई नहीं है, आइए और दो तीन लोग ही हैं, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। पर पहले मैं आपको पूरा एक दिखा दूँ कि जो ये मस्जिद के साइड का जो मार्केट है वो पूरी की पूरी बंद पड़ी है, क्योंकि सुरक्षा को लेकर के जिस तरह से पुलिस प्रशासन लगातार बोल रहा है कि कुछ ऐसा ना हो, कोई अप्रिय घटना ना घटे, उसको लेकर के कहीं ना कहीं इंतज़ाम किए गए हैं। ये मस्जिद की पीछे की गली है जहां पर पुलिस प्रशासन बैठा हुआ है, चाक चौबंद जो है वो कड़े किए गए हैं ताकि कोई हिंसा ना हो। उसी को लेकर अब गुरुग्राम में शांतिपूर्ण तरीके से नमाज जो है वो कहीं ना कहीं लोग अपने घरों में ही अदा करेंगे। देखना ये होगा कि जो ये भाईचारे का एक मैसेज है ये किस तरह से लोगों के दिलों तक जाता है और सुरक्षा को लेकर क्या कुछ इंतज़ाम पूरे गुरुग्राम में किए गए हैं वो आप देख सकते हैं। कहीं ना कहीं देखा भी जरूर जा रहा है कि गुरुग्राम के अलग अलग इलाकों में कुछ शरारती तत्वों द्वारा फिर से कुछ अनुभवी हरकतें की गई हैं, उन पर भी पुलिस जो प्रशासन जो है वो नज़र बनाए हुए है। अगर कुछ ऐसा और बाकी गुरुग्राम में जितनी मस्जिद है वहाँ पर भी लोगों से और जो इनके मौलवी हैं मुसलमान कमेटी के और उनके जितने भी लोग हैं उनसे सबसे यही आग्रह किया जा रहा है कि कोशिश करें कि इस बार की जुम्मे की जो नमाज है वो आप घर पे ही अदा करें, जिससे भाईचारा बना रहे, कोई शरारती तत्व कोई गलत हरकत ना करे। तो उसी को लेकर के ये पीछे जो इंतज़ाम आप देख सकते हैं ये पुलिस द्वारा किए गए हैं और जिला प्रशासन द्वारा आग्रह किया गया था, और साथ में भाईचारा बना रहे उसको लेकर के एक अलग प्रयास। और मैं कहना चाहूँगा कि ये कई सालों बाद इस तरह का प्रयास जो किया गया है और आपस में एकता बनी रहे उसको लेकर के एक बात कही गई है। गुरुग्राम से वीडियो जर्नलिस्ट के साथ हनु सैनी, इंडिया न्यूज़ हरियाणा।